जी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है। ये थे चौधरी खालिद हमायूं महर अराई। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से था और ये गुजरांवाला के मशहूर और नामवर डॉन थे। कहा जाता है अपने दौर में खालिद हमायूं महर ने अपने गुजरांवाला शहर में मुकम्मल होल्ड कायम किए रखा था। जब तक ये ज़िंदा था तब तक गुजरांवाला शहर में किसी कब्जा ग्रुप ने, किसी गुजर ग्रुप ने, किसी भट ग्रुप ने कोई जन्म ना लिया। इसके दौर में बहुत से ग्रुपों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, बहुत से ग्रुपों ने इलहाक किए, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। कहा जाता है खालिद हमायूं महर अराई के डेरे पर बहुत बड़े बड़े सियासी लोग इसे मिलने आया करते थे, जबकि गुजरांवाला के सियासी लोगों का तो ये हाल था कि हर MPA और MNA ये चाहता था कि उसके सर पर खालिद हमायूं महर अराई हाथ रखे। उसकी दो वजूहत थी, एक तो गुजरांवाला शहर में अराई बरादरी की अक्सरियत है, जबकि दूसरा इसका असर रसूख था। दोस्तों कहा जाता है जिसके सर पर खालिद हमायूं महर हाथ रखता था वो बआसानी MPA या MNA बन जाता था। इसकी दुश्मनी अपने ही ख़ानदान के लोगों के साथ थी। इसने खुर्रम शहजाद को कत्ल किया, जबकि खुर्रम शहजाद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने खुर्रम शहजाद का बदला लेने के लिए खालिद हमायूं महर पर गुजरांवाला कैंट के इलाके में AK-47 और रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। यह उस वक्त शदीद ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी हालत में इसके लोग इसे छोड़कर फ़रार हो गए थे। खालिद हमायूं महर तन तनाव ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा, लेकिन यह ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वहां दम तोड़ गया था। खालिद हमायूं महर के कत्ल का मुकदमा खुर्रम शहजाद के बाप महर काशिफ, जबकि इसके भाई महर काशिफ सदीक अराई पर दर्ज किया गया था। खालिद हमायूं महर अराई के दुनिया से जाने के बाद अराई बरादरी गुजरांवाला में अपना मुकम्मल कंट्रोल खो चुकी है। आजकल दूसरे भट और जट ग्रुप इस इलाके में मुकम्मल कंट्रोल हासिल किए हुए हैं।